डगआउट में एक तरह से फेलियर का खौफ और प्रेशर क्रिएट हो गया जैसे ही भारत से पहले आप हारे, तो ये जो हार मिली है ना 2-3 उससे फिर प्रेशर क्रिएट हुआ और फिर बाबर आजम की अपनी फॉर्म बैटिंग की उस तरह की नहीं थी और हिट एंड मिस बहुत था। जो सबसे बड़ा फ्लॉप शो है वो दो शोबों में था, एक स्पिन बॉलिंग, दूसरा फास्ट बॉलिंग। कहें बाबर आजम की लीडरशिप में ये चार चीजें ठीक नहीं थी, ये तो पर्सनल एजेंडा के बेस के ऊपर उसको हलाक कर देते हैं। रूथलेस किस्म की एक कैंपेन चलती है और ये नहीं उनको पता कि अपने पांव पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। ये गेम इनकी नहीं है, ये ट्रेड एडमिनिस्ट्रेटर्स नहीं है, ये यहाँ आते हैं कुर्सी की इनको चमक दिखती है, पाकिस्तान की क्रिकेट को जलील करते हैं और कुछ नहीं होता है। आपको अपना सिस्टम स्ट्रॉन्ग करना है, सिस्टम से आपके प्लेयर्स निकलते हैं, सिस्टम से लीडरशिप निकलती है, सिस्टम से आपको गेम अवेयरनेस आती है। कल पाकिस्तान एक और डिफीट मिली और आपने मेरा ख्याल है 3-4 दिन से कह रहे थे कि इंग्लैंड पाकिस्तान के खिलाफ कहीं ना कहीं लग रहा था फॉर्म में आ जाएगी। हमने तमाम प्लेयर्स को भी फॉर्म में लाया जो फॉर्म में नहीं थे और टीम को भी लाया जो फॉर्म में नहीं थी। ये क्या माइंडसेट है? पूरी नेशन काफ़ी डिसअपॉइंटेड है। ऑब्वियसली पूरी हर फैन पाकिस्तान का इसी एक स्पोर्ट्स के साथ जुड़ा है और जब विक्ट्री नहीं मिलती तो ऑब्वियसली फ़ैन दूर होते हैं, नाराज़ होते हैं, उनके अंदर एजिटेशन आती है, गुस्सा है। हम क्योंकि लोगों से इधर मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं, चैनल में बात करें, घरों में बात करें, मैसेज हमें बड़े आते हैं, आई एम श्योर आपको भी बहुत आते होंगे। इस सारे सिनेरियो को कैसे देखते हैं कि हर वर्ल्ड कप के बाद यही सारी बातें हम कर रहे होते हैं और 2011 के बाद हम कोई सेमीफाइनल में नहीं पहुंच पा रहे, लास्ट वर्ल्ड कप में भी 5वें नंबर पे थे, आज भी हम उधर ही खड़े हैं और इस दफ़ा तो किसी अच्छी टीम से भी मैच नहीं जीते हम। तो बड़ा क्लियर हमें नज़र आ रहा है कि चार टीमें हमसे सुपीरियर थी और हम 5वें नंबर की टीम ही थे। कैसे अब समराइज करेंगे ओवरऑल सारे इस परफॉर्मेंस को? देखिए फ्रस्ट्रेटिंग तो है, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि सबकी उम्मीदें लगी होती हैं क्रिकेट टीम के साथ, क्योंकि इस टीम में फड़क है तभी उम्मीदें लगाते हैं ना, नहीं तो बाकी स्पोर्ट्स देख लें कोई बॉदर्ड ही नहीं है, चाहे जीते चाहे हारें। सो फ्रस्ट्रेशन है, डिसअपॉइंटमेंट है और इसके कई रीजन है। एक तो पाकिस्तान अपनी बेस्ट क्रिकेट खेलते हैं जब ये फेयरलेस क्रिकेट खेलते हैं। डगआउट में एक तरह से फेलियर का खौफ और प्रेशर क्रिएट हो गया जैसे ही भारत से पहले आप हारे, और वो हारना इसलिए नहीं चाहिए था क्योंकि 150 में 2 आउट थे और सब वहां पे कह रहे थे कि पाकिस्तान कम से कम 300 करेगा और आप 190 में आउट हो गए। तो ये जो हार मिली है ना 2-3 उससे फिर प्रेशर क्रिएट हुआ और फिर बाबर आजम की अपनी फॉर्म बैटिंग की उस तरह की नहीं थी और हिट एंड मिस बहुत था। जो सबसे बड़ा फ्लॉप शो है वो दो शोबों में था, एक स्पिन बॉलिंग, दूसरा फास्ट बॉलिंग। ये दोनों ने बहुत ही ज्यादा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस दिखाई। बाकी आप देख लें टीम्स वो कहां से कहां निकल गई, इन्हीं पिचेस के ऊपर उन्होंने लाजवाब बॉलिंग परफॉर्मेंसेस दिखाई, और अगर चले बॉलिंग उनकी पिट गई तो बैटिंग ने फिर कॉम्प्लीमेंट किया और कॉम्पनसेट किया। तो पाकिस्तान की बैटिंग भी जो थी वो भी फ्लॉप शो इस तरह से होता गया कि सेट होके बल्लेबाज आउट होते रहे। टेक्निकल इश्यूज हैं, देखिए जब तक के स्किल के ऊपर काम नहीं करेंगे, जब तक के आप समझेंगे नहीं कि इस सिचुएशन में आपको कैसे बैटिंग करनी है या कैसे बॉलिंग करनी है, ये नहीं हो सकता कि 9 मैच आप खेले और अभी तक आप ना सीखे कि लेंथ बॉल कैसे करना है, बाउंसर कैसे करना है, फील्ड सेट कैसे होगी, बैटिंग में पार्टनरशिप्स अगर 1-2 लगाते हैं तो बाकी को क्या करना है। ये हिट एंड मिस है, जो बिग हिटिंग होती है या जो स्लॉग हिटिंग होती है वो चांस होता है, वो चांस ही होती है, बाकी जो है वो मैक्सवेल हो जाए एक टांग पे जब वो स्लॉगिंग कर रहा है तो पता है कि कोई साइंस है उस स्लॉगिंग के पीछे और ये नहीं आउट होगा। क्लासन जब करता है साइंस है उस स्लॉगिंग के पीछे, या मिच मार्च जो 177 किया है बांग्लादेश के अगेंस्ट, वो पीछे साइंस है। तो ये हमारे यहाँ ये भी नहीं है, तो ना इस तरफ है ना उस तरफ है, एक परफॉर्मेंस, 4 फ्लॉप शो। और ये पाकिस्तान का, ये जो पाकिस्तान के जो आपकी क्रिकेट का सिस्टम है अनफॉर्चुनेटली उसका मिरर है ये परफॉर्मेंस। टर्बुलेंस है बोर्ड लेवल के ऊपर, टर्बुलेंस है अपना क्रिटिसिज्म की वजह से, खाम खा के जो वर्ल्ड कप में, मतलब मेरा ये है कि थोड़ा बहुत लिहाज कर लेता है। आप एजेंडा बेस्ड क्रिटिसिज्म जब करते हैं इस क्रिकेट टीम के ऊपर, और आपको पता है मैं किसका नाम ले रहा हूँ, इसलिए कि वो एक आधा चैनल है जो कि उसका जो ख्वाहिश यही है, जो 2 चैनल्स होंगे कि बाबर आजम फेल हो, टर्बुलेंस रहे हमारे सिस्टम में ताकि वो रिप्लेस हो जाएं और फिर रिप्लेस होके अपने बंदे आ जाएं और अपने बंदों को वो डिफेंड करेंगे, चाहे वो इससे भी नीची परफॉर्मेंस दिखाएं।
तो हमारे जो आर्म चेयर एक्सपर्ट्स है ना, वो उनको तो पहले सबक हमने सिखाना है, और अनफॉर्चुनेटली क्योंकि टीम ने अच्छा नहीं किया तो उनका फील्ड डे हो जाता है, वो हेडलाइंस बटोर लेते हैं, सोशल मीडिया का आजकल जमाना है, जो जिसका ये जो है ना बिहाइंड द सीन्स वॉरियर्स, ये जो एक तरह से डरपोक वॉरियर्स हैं सोशल मीडिया पे, ये जो है एक भयानक चीज क्रिएट करते हैं और सब वो जो है उनके पीछे लग जाते हैं। सो एक नैरेटिव क्रिएट हो जाता है फजूल सा बेमकसद, जो कि हमारी क्रिकेट को डिस्ट्रॉय करता है। आप कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करें, आप कहें बाबर आजम की लीडरशिप में ये चार चीजें ठीक नहीं थी, आप बॉलिंग की कोई टेक्निकल बात बताएं, बैटिंग में बताएं कि क्या चीज होने वाली है। ये ऐसे नहीं होता, ये तो पर्सनल एजेंडा के बेस के ऊपर उसको हलाक कर देते हैं। रूथलेस किस्म की एक कैंपेन चलती है, और ये नहीं उनको पता कि अपने पांव पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं, क्योंकि कई जो एक्स क्रिकेटर्स लगे हुए हैं आजकल टीम के खिलाफ या वो किसी एजेंडे से, वो अपने पांव पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं, क्योंकि ये अगर हमारा गिर गई स्पोर्ट तो ये नौकरियों से जाएंगे। बिल्कुल, और अनफॉर्चुनेटली जब आपका ये सारा सिस्टम खराब होता है, हम हॉकी स्क्वाश का रणवीर भाई ऑलरेडी देख चुके हैं। अच्छा, एक हमारे रणवीर भाई सिस्टम में प्रॉब्लम सबसे बड़ा ये है कि कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी भी लेवल पे लेने को तैयार नहीं होता, हर बंदा ब्लेम गेम खेलता है और एक दूसरे के ऊपर वो थ्रो अप करता है कि ये इसका कल्प्रिट था, ये इसका कल्प्रिट था। एक तो ये प्रॉब्लम है। दूसरा, अगर कप्तान के जैसे कल हमने बात की, तो मैं थोड़ा सा कोचेस के ऊपर भी आना चाहूँगा कि आपका थिंक टैंक जो होता है वो आपको प्रोवाइड करता है, कई दफ़ा फ्रेशनेस प्रोवाइड करता है, कोई ऐसा थॉट प्रोवोकिंग ऐसी लेके आता है, प्रोवोक डालता है, आप इंजेक्ट करता है चीज़ जिससे आप कई दफ़ा मोटिवेटेड हो जाते हो, एलिवेट हो जाते हो। मिकी आर्थर का रोल मैं आपसे जानना चाहूँगा, ये क्या लॉजिक थी? एक बंदा जब 2017 की चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान को जिताता है, उसके बाद उसके क्रेडिट पर कोई चीज़ नहीं है। श्रीलंका वर्ल्ड कप में देखे आखिरी नंबर पर फिनिश कर रहा है, उसको क्वालिफाइंग राउंड खेलना पड़ रहा है, डर्बी शायर अपनी जगह पे, मैंने पूरी रिसर्च की है, वो लास्ट नंबर पे है, और आई थिंक सो कहीं उसने और आईपीएल में शायद कोचिंग की थी, वो लास्ट नंबर पे टीम ने फिनिश किया। तो ये क्या सोच थी? एक चले कोचिंग देनी भी है तो ऑनलाइन कोचिंग क्या होती है, और आखिरी टाइम के ऊपर आप हडल में आके आप बैठ जाएंगे और डगआउट में बैठ के आप क्या कर देंगे? ये कोई मैजिक है आपके पास कि आप बताएंगे और वो सब कुछ? दुनिया के आप वाहिद आदमी हैं जो आके पाकिस्तान को ऐसा बताएंगे, वो स्विच ऑन करेंगे, और फिर जब वो आप पे बात हो रही है प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो कहा जा रहा है जी दिल दिल पाकिस्तान नहीं लगा, वो कह रहे हैं नहीं जी हम भारत से सेमीफाइनल में मुकाबला करने जा रहे हैं। ये बातों की हद तक कब तक आप मंजन बेच के इस आवाम को इस बेवकूफ़, मैंने समझूंगा सारों को कि आप बेवकूफ़ बनाना चाह रहे हैं, बनते जा रहे हैं, वो अपनी पैसे जेबें भरते जा रहे हैं और मज़े हैं सबके, ये कौन इसको अकाउंटेबल करेगा इस चीज़ को? नजम सेठी से पूछे ना, जो जीनियस आपने लगाया था चेयरमैन ऑफ द बोर्ड। बिल्कुल, उन्होंने किया ड्रोन कोच, जब वो लेके आए थे तो बड़ी तारीफें उनकी हो रही थी, जी क्या एडमिनिस्ट्रेटर आया है, मतलब मेरा है कोई सेंसलेस इससे ज्यादा मूव नहीं हो सकती थी जो चापलूसी करके और चेयरमैन ऑफ द बोर्ड लग जाएं। उसके बाद एक और आ गए साहब, जो कि वो भी पॉलिटिकल अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर आ गए हैं, और वो अब एक हडल बनाएंगे वर्ल्ड कप के बारे में और हमें बताएंगे जी कि किस वजह से ये हम वर्ल्ड कप हारे हैं और क्या हम अच्छा कर सकते हैं। ये सब नॉनसेंसिकल बातें हैं, ये गेम इनकी नहीं है, ये ट्रेड एडमिनिस्ट्रेटर्स नहीं है, ये यहाँ आते हैं कुर्सी की इनको चमक दिखती है, अपने आप को इम्पोर्टेंट समझते हैं और पाकिस्तान की क्रिकेट को जलील करते हैं और कुछ नहीं होता है। और ये जब तक के साफी हजरात नहीं समझेंगे, जब तक के हमारे सिस्टम में ऐसे लोगों को डिस्करेज नहीं किया जाएगा, तो फिर ऐसे रिजल्ट्स होंगे। देखिए, मैं समझता हूँ कि मेरी किताब में कोचेस जो है ना वो कभी भी इम्पोर्टेंट नहीं रहे, उनका काम है नेट सेशंस अरेंज करना, उनका काम है एक अच्छी हेल्दी एनवायरनमेंट क्रिएट करना, उनका काम है किसी को प्रॉब्लम है तो वो सॉर्ट आउट करना, मगर एक दफा प्लेयर जब फील्ड एंटर कर लेता है ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू परफॉर्म। ये आप ओनस प्लेयर से नहीं हटा सकते हैं, ये उनका ओनस है टू प्रोड्यूस द रिजल्ट्स। और आजकल इतने ज्यादा एक्सपोज हैं टू सो कॉल्ड ग्रेट कोचेस, क्योंकि हर हमारा लड़का जाके वर्ल्ड की लीग्स खेलता है, वहां पे टॉप क्वालिटी के कोचेस होते हैं। सो उसके बावजूद भी अगर आपको मसले हैं बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द गेम में, तो इसका मतलब यही है ना कि आपको कुछ अच्छा हासिल नहीं हो रहा इन कोचेस से। सो आपको क्या करना है, आपको अपना सिस्टम स्ट्रॉन्ग करना है, सिस्टम से आपके प्लेयर्स निकलते हैं, सिस्टम से लीडरशिप निकलती है, सिस्टम से आप को गेम अवेयरनेस आती है, ये सारी चीजें करने वाली हैं। और ये मगर क्यों नहीं कोई करता, क्योंकि ये लॉन्ग हॉल है, ये एक लंबा प्रोसेस है, यहाँ पे लंबे प्रोसेस के लिए नहीं आते क्रिकेट बोर्ड में, यहाँ पे इंस्टेंट हेडलाइंस बटोरने के लिए आते हैं,
और यहाँ पे मीडिया की चापलूसी करते हैं ये आके, ताकि मीडिया जब इनके स्क्रू अप्स होंगे, जब ये गलतियां करेंगे तो वो इनको बचाएंगे। तो ये हमारा क्रिकेट का सिस्टम है, मैं आपको डिफाइन कर दिया ये।